हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज आपको न केवल बोर्ड एग्जाम्स में बल्कि कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड्स में और एनटीएससी में हेल्प कर सकती हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सीबीएसई करिकुलम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और अब आप इनको छोड़ करके एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। वेल एजुकेटेड पेरेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अहमियत अच्छे से जानते हैं। वो क्लास 6, 7, 8 से ही अपने बच्चों को महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजते हैं ताकि वो स्कूल के बाद होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकें। वहां पर होता क्या है जो स्कूल में नहीं होता, वहां पर बच्चों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है और पहले ओलंपियाड्स, उसके बाद स्कॉलरशिप एग्जाम्स और उसके बाद स्कूल एग्जाम के बाद होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे क्लैट है, मैट है, जेईई मेंस है, नीट यूजी है, उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको तैयार किया जाता है, जिसको ये लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल फाउंडेशन एग्जाम्स कहते हैं। सो क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपने बच्चों को इन महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजें? हर कोई तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए MCQ गाइड आपके लिए लेकर आया है एक नया पैटर्न जिसमें आप अपने बच्चों को घर बैठे बहुत ही कम कीमत पर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा सकते हैं, फाउंडेशन की तैयारी करा सकते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जिसमें कि अब आप जानते हैं कि 20% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। न केवल बोर्ड एग्जाम्स बल्कि सारी क्लासेस में अब यही पैटर्न लागू हो रहा है कि आपको हर क्लास में चैप्टर्स में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। दूसरी चीज आपको जहां पर ये बहुत हेल्प करने वाली है वो है ओलंपियाड एग्जाम्स। आप जानते हैं कि ओलंपियाड एग्जाम्स सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और उनकी तैयारी करने के लिए भी MCQ गाइड के ये MCQ टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद आती है स्कॉलरशिप एग्जाम्स, जैसे कि JSTSC है या NTSC जो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कंडक्ट किया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स NTSC की तैयारी करते हैं, महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, बट अब ये प्रिपरेशन आप MCQ गाइड की मोबाइल ऐप या वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप JEE मेंस या नीट यूजी या किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो MCQ गाइड की ऐप से बेहतर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। साथ ही अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टेस्ट सीरीज आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप MCQ गाइड की इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। आप MCQ गाइड की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो आप MCQ गाइड को डैशबोर्ड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट में जाएंगे, डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और ये पेज आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। आप अपनी क्लास और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और हर सब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे कि चैप्टर्स की लिस्ट दी गई है। इन चैप्टर्स में से जिस चैप्टर की आपको तैयारी करनी है आप चैप्टर पर क्लिक कीजिए और हर चैप्टर के अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। इस ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक करके आप देखेंगे कि 4 से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए गए हैं। इनके थ्रू आप एक एक करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस न केवल स्कूल में आपके काम आने वाले हैं बल्कि आफ्टर स्कूल एग्जामिनेशंस जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, ओलंपियाड एग्जाम्स हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं, उनमें भी आपको काफी हेल्प करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप MCQ गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।